वसुदेवासुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। गीता स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद् गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग का। तो अभी तक योगेश्वर जी ने अर्जुन को अतीव अपनी महती कृपा दर्शाते हुए अभी तक बताया कि संसार में दो प्रकार की मान्यताएं हैं और दो प्रकार की भक्ति होती है। उसको मानने वाले लोग कुछ तो उस परा अव्यक्त परमेश्वर को मानते हैं, कुछ इस चराचर में जो व्यक्त ईश्वर है उसको मानते हैं। तो योगेश्वर जी अब यही स्पष्ट करते हुए अब बताते हैं कि आगे बता दिया कि क्या अव्यक्त भक्ति है, क्या व्यक्त भक्ति है। अब उसके बाद बताते हैं, जैसा हमने स्वाध्याय भी कर चुके हैं, बताया था कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो इसमें योगेश्वर जी ने बताया था कि हे अर्जुन सुनो कि दो प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, एक तो अव्यक्त ये तो अक्षरम अनिर्दृश्यम ये बताया, अब उसके बाद बता रहे परंतु जो मुझ पर पुरुषोत्तम में ही समस्त कर्मों का संन्यास अर्थात मेरे को ही दे देता, अर्थात एक तरह से कहें कि अपनी प्रकृति जो हमारी समस्त जो प्रकृति है समस्त प्रकृति के माध्यम से केवल ईश्वर को ही भजता है। तो कहते हैं अनन्य नैव योगे न माम ध्यान तो पासते। तो आगे बताते हैं कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। कहते हैं तेषा अहम समुद्धर्ता कि जो इस तरह से मेरी ही शरण में रहता है, जो मन इंद्रिया समस्त जो उसकी प्रकृति है, जो 24 तत्वों का जो ऋषियों ने जिनको बताया है, जो 24 तत्व हमारे अंदर हैं, इस समस्त प्रकृति से जो क्षण क्षण केवल उस परमेश्वर से जुड़ा रहता है। तो कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। हमने देखा था कि ऐसे अनेकों सैकड़ों उदाहरण हैं कि जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात कि मैं ऐसे जो इस प्रकार से हर पल मेरे में रहते हैं, तो कहते हैं मैं उनका तेषाम अहम मैं उनका समुद्धर्ता इस संसार से इस क्या उद्धार करने वाला हूँ। कैसे भवामि न चिरात् पार्थ मैया विशद चेतसाम कि क्षण भर में पल भर में बिना विलंब किए मैं उनके पास आ जाता हूँ। तो ऐसे हमने कई उदाहरण देखे थे कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शास्त्रों की बात है, ऐसे उदाहरण घटित हो चुके हैं कि जैसे साधक उस परम पिता परमेश्वर को याद करता है तो पल भर में ही ऐसी उसके अंदर वो ऊर्जा घटित होती है कि वह उससे जुड़ जाता है। और फिर हमने देखा था गजराज का उदाहरण कि जब गजराज अंतिम समय आता है, जब लगता है कि अब तो मृत्यु समीप है, जब वह श्री हरि को पुकारते हैं और बिना विलंब किए झटीति श्री हरि आते हैं और उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हमने कल देखे थे कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जब साधक सच्चे मन से सच्चे हृदय से जब मुझे पुकारता है तो मैं बिना देरी किए हुए उसके समक्ष उपस्थित हो जाता हूँ। देखिए ये तो ऐसा दिख रहा है, ऐसे हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि कभी ऐसी कुछ परिस्थिति आती है, ऐसी कोई स्थिति आती है कि हमको कुछ सूझता नहीं है
और हमारे मुख से एक ही निकलता है कि हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप उनसे सच्ची हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें। कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और आपको वो मार्ग दिखाई दे जाता है। और फिर जो आप जो दुविधा में पड़े हुए थे, जो आपका संशय था, जिस बाधा में आप पड़े हुए थे, उससे फिर निवारण मिल जाता है। तो योगेश्वर जी यही कहना चाह रहे हैं कि जब साधक को लगे कि कुछ ना दिखे तो कहे, तो फिर वह केवल और केवल मेरा ही स्मरण करे, तो कहते हैं कि फिर मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। जैसे कि यह जो योगेश्वर जी बता रहे हैं, यह कब आता है, ये साधक के जीवन में ऐसी स्थिति कब घटित होती है। जैसे कि एक योग दर्शन का बहुत ही अच्छा सूत्र है कि यह जो प्रतिपल प्रतिक्षण, जैसे कि योगेश्वर जी ने बताया था पूर्व वाले श्लोक में, कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते, कि एक क्षण भी मेरे से दूर ना हुआ, केवल मेरी ही उपासना करते हैं। तो कहते हैं कि फिर ऐसे साधक के लिए यह जो स्थिति है, यह श्रम साध्य होती है, अर्थात अभ्यास साध्य होती है। इसको ही बताया था महर्षि पतंजलि, बताते हैं, स तो दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि जैसे वह जो अभ्यास है, यह अभ्यास के लिए क्या होता है, लंबे काल तक लगातार तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक जब कोई हम प्रैक्टिस करते हैं तब वह फलदायक होता है, यह बता रहे हैं योगेश्वर जी। जैसे हम देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, वह जो भी आप अभ्यास करने जा रहे हो, जब वह दीर्घ काल तक कंटिन्यूटी में चलता है, निरंतरता के साथ चलता है, और फिर कहते हैं उसमें ब्रह्मचर्य अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम हो, और फिर कहते हैं विद्या अर्थात ज्ञान पूर्वक हो, ऐसा ना हो कोई प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वह अज्ञान युक्त से युक्त ना, योगेश्वर जी कहते हैं वह हमारी ज्ञान से युक्त हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो विषय है, जो महत्वपूर्ण तत्व है, उसको बताते हैं योगेश्वर जी, कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक। वास्तव में जैसे हम अभी भी देखें पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस में, जो ऐसे ऐसे असाध्य रोगी आते हैं कि जिनको बाहर डॉक्टर के द्वारा मना कर दिया जाता है कि यह रोग ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन जब वह इस पतंजलि वेलनेस में आते हैं, तो जैसा कि महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि कोई प्रैक्टिस हम जब कैसे करते हैं, दीर्घ काल तक करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, अर्थात एक दिन भी गैप नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं सत्कार सेवित अर्थात पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो फलदायी होती है। तो ऐसे ही जब साधक जन यहाँ पतंजलि वेलनेस में आते हैं, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, जब सारे दरवाजे बाहर बंद हो जाते हैं, तब उनको परम श्रद्धा से स्वामी महाराज का जब रास्ता दिखता है, जब वे यहाँ आते हैं, तो वो पूरी लगन से, जैसा कि बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, दीर्घ काल तक, घंटों घंटों, दो तीन घंटे, कुछ कुछ तो जब कुछ दिखता ही नहीं है, कि दिखता है कि अगर हमने यह योग नहीं किया तो हो सकता है हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए, तो फिर वो घंटों घंटों पूरे दिन भी कुछ लोग अनुलोम विलोम जो भी योगिक क्रियाएं हैं वो करते रहते हैं। और फिर कैसे करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें है, एक दीर्घकाल, अर्थात ऐसा नहीं, जैसा कि बताते हैं कि जैसे आपको एक रोटी भी बनानी हो, रोटी बनाने के लिए भी एक जो तवा होता है उस पर भी एक अपेक्षित काल निश्चित होता है कि जब वह तवा इतने समय में जब वह गर्म होगा उसके पश्चात उस पर वह रोटी बन सकती है। तो ऐसे ही शरीर में भी कुछ टेम्परेचर में जो क्रियाएं जो घटित होती हैं उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है। तो जब साधक जन यहाँ आते हैं अपने रोगों से निजात पाने के लिए, तो दीर्घ काल तक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलो आज तो कर लिया, ठीक है आज योग कर लिया, आज पूरे दो तीन घंटे कपालभाति किया, दो तीन घंटे अनुलोम विलोम किया, अनेक दो एक घंटे ध्यान कर लिया, अब बहुत असाध्य रोग है लेकिन आज तो किया, और कल नहीं किया, कल आलस्य कर लिया, तो फिर उसको वह लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अगर आपको किसी फील्ड में अगर लाभ पाना है तो उसके लिए निरंतर अर्थात दीर्घकाल तक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप बताते हैं कि निरंतरता,
यही है कि वहाँ निरंतरता उनकी 6 दिन जो भी आते हैं, 6 दिन के लिए आते हैं, कुछ 7 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, किसी की बहुत ही क्रिटिकल समस्या हो तो 15-20 दिन 1 महीना के लिए भी आते हैं। तो जब वो दीर्घकाल तक और निरंतरता के साथ लगे रहते हैं और उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ना, वह बताया है श्रद्धा। और उसी को बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि जब कोई हम कार्य करते हैं वह हम उसको पूरी दीर्घकाल तक कर रहे हैं और निरंतरता के साथ कर रहे हैं और उसके साथ जो एक महत्वपूर्ण तत्व है वह है श्रद्धा। अर्थात श्रद्धा कहें, विश्वास कहें या फिर कहें फेथ कहें, जिसको हम कुछ भी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, कि जब उसके अंदर श्रद्धा तत्व, जो प्रेम तत्व उस कार्य के प्रति जुड़ जाता है, रुचि इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, जब वो उसके लगन उसके अंदर जुड़ जाती है, तो वह कार्य जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तो तीनों तत्व मिलकर फिर उसकी सफलता दिलाते हैं। तो ये जब तीनों मिलते हैं तब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र हो, ऐसे ही जब यहाँ आते हैं असाध्य रोग को लेकर साधक गण, तो उनको पता ही नहीं चलता कैसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, सुनते हैं कि उनके इतने बड़े बड़े रोग जो होते हैं वो मिट जाते हैं। तो इसके पीछे ये कंटिन्यूटी और दीर्घकाल और इसके साथ जो पूरा विश्वास, उसके प्रति पूरा समर्पण जब हो जाता है तो फिर उनके वह रोग समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक घटना बहुत अच्छी आती है महाभारत में, कि जब परीक्षित को पता चलता है कि मेरी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, तो परीक्षित जी क्या करते हैं, परीक्षित जी सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे आपको पता चल जाए कि अभी मेरी कल ही मृत्यु होने वाली है, तो क्या करोगे उस समय, कोई नेगेटिविटी, कोई भी जो हमारी चेतना को नीचे लाने वाले जो विचार हैं, तत्व हैं, कोई भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है। केवल हमको ऐसा लगता है कि कल तो मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या करते हैं, प्रतिपल सजग होकर जीते हैं। तो ऐसे ही एक घटना घटती है महाभारत में, परीक्षित जी को जब पता चलता है कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, एक बहुत बड़े महाराजा थे, एक बहुत बड़े विशाल राज्य का पालन करने वाले थे, लेकिन सुखदेव की शरण में चले जाते हैं और वहाँ जाकर योग क्रियाएँ सीखते हैं, योगाभ्यास करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और कैसे मैं प्रतिपल प्रतिक्षण वह ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उनकी कथा का स्मरण करते हैं। तो ऐसे ही जब व्यक्ति फिर वो दीर्घकाल तक चलता जाता है तो वो किसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो योगेश्वर जी ने इतना बताया कि मैं उनका तत्क्षण उसी पल मैं उनका उद्धार कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो एक तत्व है वह जोड़ना अत्यंत आवश्यक है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो अभ्यास हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस हमने जीवन में लेके आ रहे हैं, उसको हम दीर्घकाल पर्यंत तक करें और कंटिन्यूटी के साथ करें और उसको हम पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ करें, तो वह उसका जो लाभ है वह दुगना हो जाता है। और दुगना लाभ जब होता है तो फिर वह शीघ्र ही जो भी हमारी समस्या है उससे हमें निजात देने वाला होता है। तो आगे ही अब योगेश्वर जी बताते हैं कि इतना तो बता दिया, लेकिन फिर भी अब वो क्या होता है, योगेश्वर जी तो बता रहे हैं लेकिन अर्जुन के मन में इतनी शंकाएं हैं, इतने प्रश्न हैं, तो योगेश्वर जी बता रहे हैं फिर भी उनके मन में शंकाएं उठती जा रही हैं। तो पूछते हैं कि मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा, कि मेरे से कैसे होगा कि मैं प्रतिपल, जैसा आपने बताया कि मैं अनन्य भक्ति के साथ ईश्वर के साथ जुड़ूं और सारे कर्मों को उनको समर्पित करूं, और फिर आप बता रहे हैं कि फिर ऐसा होता है कि तत्काल परमेश्वर उनको अपने शरण में ले लेते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है कि देखो हे केशव, हे माधव, ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूँ। अब होता क्या है, जब ऐसे स्थिति आती है तो योगेश्वर जी कहते हैं, ये बड़ी विकट स्थिति है, तो कहते हैं ठीक है, तेरे को मैं दिखाई दे रहा हूँ, अर्थात योगेश्वर जी कहते हैं मैं तो सामने आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ऐसा करो कि मेरे में ही अपने मन को लगा दो। तो उसी के लिए अब अगला श्लोक है। तो योगेश्वर जी, जो अर्जुन इतनी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि कहता है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा, तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, तेरे समक्ष मैं तो हूँ, तो मेरे में ही अपने मन को लगा। तो कहते हैं मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय
निवशिष्यसि मयैव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि अर्जुन तेरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो तेरे समक्ष खड़ा हूँ। और वास्तव में अर्जुन जी की योगेश्वर के प्रति एक अनन्य भक्ति है, अनन्य श्रद्धा है, अनन्य समर्पण है। तो योगेश्वर जी कहते हैं ठीक है, तो ये सोच रहा है कि मैं ये सब करने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, तो ऐसा करो, मई ये मन आधत् स्व मई बुद्धिम निवेशय, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करो, मई ये मन आधत् स्व मई बुद्धिम निवेशय, कि मई एव मेरे में ही मन को लगा दो, और फिर कहते हैं मई बुद्धि निवेशय, और मेरे में ही अपनी बुद्धि को लगा दो। तो कहते हैं कि फिर क्या होगा, निवास सस्सी मई एव, अर्थात फिर मेरे में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये बात एक यहाँ विचारणीय बिंदु है, योगेश्वर जी कह रहे हैं कि मई एव मन आधत् स्व मई बुद्धि निवेशय, कि मेरे में ही मन को लगा दो, मेरे में ही अपनी बुद्धि को लगा दो। देखो ये जैसे ही जहाँ हमारा मन लगता है वही हमारी बुद्धि लगती है, ये हम सभी को पता है। हालांकि मान लो हम कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं, या फिर हम कहीं सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे तो हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, तो हमारी बुद्धि भी वहीं लगी रहती है। जहाँ हम बैठे तो हैं, स्थूल रूप से हम बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस मन की इतनी बड़ी शक्ति है, इसमें इतना बड़ा सामर्थ्य है कि ये आपको इस स्थान में बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड लोक की यात्रा करा सकता है। इसमें अपार सामर्थ्य है, इसलिए योगेश्वर जी ने कहा ये जो मन है ना, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए सर्वप्रथम मन को करने के लिए कहा कि मन में मेरे को लगा दो, कि मन में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि हमारे तो जब हम रात्रि काल को जब मंत्र पाठ करते हैं तो उसमें यही मन की ही हम महिमा गाते हैं कि ऐसा ऐसा मन है ये जागृतो दूरमुते इति, अर्थात ऐसा जो मन जो जागते हुए भी और तो और सोते हुए भी जो दूर दूर तक घूमता रहता है, ऐसी मन की वहाँ महिमा गाई गई है कि तो जो ऐसा जो मेरा मन है वहाँ हम जब रात को सोते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ मेरा मन शिव संकल्प वस्तु, और शिव संकल्प अर्थ है कि वह मेरा मन कल्याणकारी हो। तो ऐसे ही योगेश्वर जी ने देखा कि सबसे बड़ी जो दुविधा है ना मनुष्य की, वह यही है कि वह सही जो डायरेक्शन में अपने मन को नहीं लगा पाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है, योगेश्वर जी को पता था कि अर्जुन की मेरे प्रति अनन्य भक्ति है, अनन्य श्रद्धा है, तो इसलिए कहा ठीक है मैं तो सामने दिखाई दे रहा हूँ ना, तो ऐसा करो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे में ही अपने मन को लगाओ। और वैसे भी उपनिषदकार भी कहते हैं अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि एक तरह से योगेश्वर जी को अर्जुन जी अपने गुरु मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो उपनिषदों में ये आई है बात कि जब व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि उसे अपनी साधना भी कर ली लेकिन ऐसा लगता कि मन काबू नहीं पा रहा है, तो क्या उपनिषदकार कहते हैं कि ऐसा करो कि आपका जो मन है उसको जिसको आप अपने श्रेष्ठ मानते हो, जो गुरु तत्व है उसमें लगा दीजिए, अर्थात जैसा वो आपको आदेश देते हैं, जैसा निर्देश देते हैं, जैसा वो स्वयं अपना जीवन जीते हैं, तो कहते हैं आप ऐसा आचरण करो और प्रतिपल प्रतिक्षण उसमें ही आप उनका ही स्मरण करो कि वह अपने जीवन में कैसा आदर्श रखते हैं। तो कहते हैं उपनिषदकार यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिताशेते प्रकाशन्ते महात्मनः। तो उपनिषदकार कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, जैसा कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जब कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं समक्ष खड़ा हूँ तो मेरे को भी देख ले। तो कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, कि भगवान में भक्ति तो है लेकिन जब ध्यान करने के लिए जाते हैं श्रद्धा भी है पूरी लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो कहते हैं यथा देवे तथा गुरु, जैसे आपकी उस परम पिता परमेश्वर में भक्ति है श्रद्धा है ऐसे ही गुरु में हो, तो कहते हैं उसी के हृदय में, उपनिषदकार कहते हैं जो अभी तक हमने जो बातें बताई हैं उसी के हृदय में सारे जो भी सत्य
जो उसके हृदय में है वह प्रकाशित होते हैं, उद्घटित होते हैं। तो इतनी बड़ी बात बता रहे हैं और इसका उद्बोधन जो योगेश्वर जी कह रहे हैं उसी को महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि वीतराग विषयम व चित्तम, कि साधक को जब अपनी यात्रा जब प्रारंभ करनी होती है तो उसको कोई आलंबन चाहिए होता है प्रथम, कि एकदम से ही वह ध्यान लगाने लग जाए। तो ऐसा तो हो सकता है लेकिन यह अभ्यास साध्य होता है। ऐसे कुछ अपवाद रूप में कुछ आत्माएं हैं जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो अपने आप में ही वो जो स्थित होते हैं। लेकिन वहाँ भी इसका बहुत ही अनुमोदन किया है महर्षि पतंजलि ने भी कि वीतराग विषयम व चित्तम, कि साधक को जो वीतराग अर्थात विगत राग जिनके हृदय से राग चला गया है तो कहते हैं उनके हमें हृदय का उनके चित्त का हमें ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से कि हमारे सामने वो स्थूल रूप में है तो कह रहे हैं कि जो वीतराग हैं जो जिनको हम मानते हैं तो उनका हमें चिंतन मनन करना चाहिए। तो इससे भी साधक की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो धीरे धीरे वो अव्यक्त उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है साधक के जीवन में। तो योगेश्वर जी क्या कह रहे हैं कि मई ये व मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय निवेशसि मई ये व अत ऊर्ध्वम न संशय। तो इतनी बड़ी बात योगेश्वर जी बता रहे हैं कि मेरे में ही मन को लगाओ, मेरे में ही अपने आप को स्थिर कर दो। क्योंकि देखो इस सब का अनुमोदन उपनिषदकार भी कर रहे हैं और महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि हमको जो अपने से श्रेष्ठ दिखते हैं उन गुरुजन का ही हम हर पल प्रत्येक कार्य करते समय उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें। तो अपने तो फिर क्या होता है धीरे धीरे फिर हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते जाते हैं और जैसे ही जुड़ते जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम पता ही चलता है कि हम कितने, जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं अतः ऊर्ध्वम संशय, फिर इसके बाद संशय मत करना कि तुम अवश्य ही डेफिनेटली आप सफलता को प्राप्त होंगे। तो आइए सज्जनों, आज योगेश्वर जी ने हम सभी पर अपनी अनंत कृपा को, अपनी अनंत जो उनका जो कृपा है जो दया है उसको दर्शाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हमको बताया कि जब हमको ऐसा लगता है कि हम अभी यह कार्य करने में असमर्थ हैं तो कहा तो जो आपके गुरुजन हैं उनमें अपने चित्त को लगा दो, उनमें अपने मन को लगा दो तो फिर आपके अंदर सारे सत्य उद्घटित हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रकाशित हो जाते हैं। तो आइए हम सब भी योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को अपने हृदय में बिठाते हुए चिंतन मनन करते हुए हम भी इस तत्व को जो हमारा जो जीवन रूपी अभ्यास है, जो जीवन हम जो जी रहे हैं अपने व्यवहार में लेते आए और अपने जीवन को दिव्य गुणों से युक्त करें और परमात्मा से युक्त करें। तो आप सभी को ओम शांति। शांति शांति शांति।